ग्राम पंचायत कन्हाल गांव में एक अभिनव उपक्रम चलाया गया, जहां ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा लेकर कुष्ठ रोग का समूल रूप से निर्मूलन करने के लिए जन जागरण के तहत सभी ने एक साथ शपथ ली। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के निमित्त 30 जनवरी यह कुष्ठ रोग निवारण दिन के रूप में मनाया जाता है और इस निमित्त 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जन जागृति तथा लोगों के सहयोग के लिए ग्राम पंचायत कनाड़गांव स्पर्श कुष्ठ रोग जन जागृति अभियान के लिए कुष्ठ रोग के विरोध में लड़ाई लड़े और कुष्ठ रोग को हमेशा के लिए समाप्त करें, ऐसी शपथ सरपंच संजय येरमे ने कनाड़गांव के ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लेकर सभी को दी। इस शपथ विधि में सरपंच संजय येरमे, उप सरपंच अंकुश आवारी, सचिव राउत, ग्राम पंचायत सदस्य ममता वनकर, मनोज तोड़ासे, समुदाय आरोग्य अधिकारी दीक्षा भालेकर, सीमा पिंदोर, आशा कट प्रवर्तक, आशा स्वयं सेविका सुजाता दुर्योधन के साथ गांववासी उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर कुछ लोगों ने क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। गट प्रवर्तक सीमा पिंदोर आज कानाड़गांव इथे ग्राम सभेमध्ये कुष्ठरोग जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला, त्यामध्ये सरपंच साहेबांनी कुष्ठरोग जनजागृती आणि प्रतिज्ञा म्हणून लोकांना कुष्ठरोगाबद्दल माहिती सांगितली। मी गोविंद सखाराम ठावरे, माजी मुख्याध्यापक जगन्नाथ महाराज विद्यालय विगाव, आज या ठिकाणी ग्रामपंचायत कन्हाळगाव इथं आहो आणि नुकतीच कुष्ठरोग जनजागृती मोहिमेच्या अंतर्गत आशा वर्कर आणि त्यांच्या विभागांतर्गत सरपंच साहेब, ग्रामपंचायतचे सर्व सदस्यगण यांच्या उपस्थितीमध्ये एक जनजागृती मोहिमेसाठी शपथ घेण्यात आलेली आहे। खरोखरच कुष्ठरोग हे समाजाला काणीमा फासणारा असा तो आजार आहे, आयुष्यातून त्याला उद्ध्वस्त केलं जातं आणि म्हणून शासन स्तरावरून ही जागृती अत्यंत आवश्यक आहे आणि या हा कुष्ठरोग बरा न होणारा रोग आहे असं जरी वाटत असेल तरी पण आपण योग्य उपचार करून त्यातून आपण मार्ग काढू शकतो आणि लोकांमध्ये ते दुरुस्ती होऊ शकते आणि खरोखर शासनाचा उपक्रम हा स्तुत्य उपक्रम आहे आणि याची सर्व या विभागांनी ती दखल घ्यावी असं मला वाटतं। सिटी ग्रामारे प्रतिनिधी, जिल्हा शेकी रिपोर्ट।